हेलो क्लास फाइव, गुड मॉर्निंग। तो एक्सरसाइज 3D हम लोग पढ़ रहे थे। एक्सरसाइज 3D में लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, सिंप्लीफाई। देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो पहले भी आप पढ़ चुके हैं सिंप्लीफाई, बोर्ड मास के रूल से हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो उसी रूल को फॉलो करते हुए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। पहला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, प्लस माइनस है, ठीक है। इसमें प्लस माइनस का ऑपरेशन करना है आपको। तो सबसे पहले बोर्ड मास में हम क्या करते हैं, एडिशन करते हैं और एट लास्ट सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो सबसे पहले जितने भी प्लस वाला है, प्लस वाला नंबर जो है, उनको हम एक साथ ऐड कर लेते हैं। तो 0.75 प्लस 0.416 प्लस 0.33, ये प्लस में, ये प्लस में, ये भी प्लस में, तो सबको हमने एक साथ कर लिया और माइनस 0.66 ये कर लिया। अब प्लस वाले को प्लस कर लेते हैं, ऐड करते हैं। तो ये हो गया 3, और यहाँ देखिए यहाँ 3 है पॉइंट के बाद, 1, 2, 3, तो यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0 हो जाएगा। तो प्लस करेंगे 0, 6, 0, ये हो रहा 6, 3 प्लस 1 4 प्लस 5 9, 3 प्लस 4 7, 7 14 का 4 कैरी 1, ये हो गया आपका 1.496। अब माइनस क्या करना है, 0.66, तो माइनस कर देंगे, ठीक है। 6 माइनस, अच्छा पॉइंट के बाद यहां 2 है तो एक 0 बढ़ जाएगा, तो 6 माइनस 0 6 हो जाएगा, 9 माइनस 6 3, 4 माइनस 6 होगा नहीं तो भाई 14 हो जाएगा, 14 माइनस 6 और हो गया 0। तो 0.836 ये जो है ये आपका आंसर, ठीक। और सिंपल था, प्लस वाला आप एक साथ कर लिए, एक साथ करने के बाद प्लस कर लिए, फिर इसके बाद माइनस कर देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, इसमें आपका प्लस है, मल्टीप्लाई है, ये ऑपरेशन है, चलिए देखते हैं। एक क्वेश्चन है आपका, ये हम ब्रैकेट में सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो मल्टीप्लाई है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो बाकी को ऐड करके डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं रफ नंबर इन दो, 0.46 और है 0.25, ठीक है। तो 5 6 30 3 5 4 20 23, तो क्या है, तो वही आ जाएगा। अब 2 6 12, 1 4 2 9 और ये 0। अब 0 करेंगे तो 0 0 0, अब सॉल्व करते हैं, ये हो गया 0 3 प्लस 2 5 9 2 11 कैरी 1, और ये 0 डेसिमल लगाएंगे 1 2 3 4 1 2 3 4, 0.1150 ये आता है। तो हम यहाँ ऐड करेंगे 0.1150 प्लस 0.1, ठीक, क्लियर है, सिंपल है। अब क्या करना है, प्लस प्लस कर देंगे, तो 1 2 3 4, ठीक है, 4 है तो भाई यहाँ पे 2 है तो 2 0 हम और ऐड कर देते हैं, ठीक। अब ऐड करेंगे तो 0 0 0 0 0 5 0, तो 5 हो गया। अब थर्ड 8 प्लस 1 9 और 5, 14 का 4 कैरी 1, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 1 5, 5 और 7, 12 का 2 कैरी 1, और ये जगह 1.2450 ये आपका हो गया, ठीक। पहले मल्टीप्लाई किया आपने, जो है वो राइट किया, फिर एडिशन था, एडिशन कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है, फिफ्थ नंबर, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले तो ब्रैकेट सॉल्व करते हैं बोर्ड मास के अकॉर्डिंग, तो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे पहले,
0.01 मल्टीप्लाइड बाई 10 इंटू 0.2 प्लस माइनस करना है तो 5 माइनस टू 3 0.3 प्लस 0.1 प्लस 0.04 डिवाइडेड बाई 0.2। अब हम क्या करेंगे, अब डिवाइड सॉल्व करेंगे, ठीक है, ब्रैकेट सॉल्व हो गया, अब डिवीजन सॉल्व करेंगे। उसको एज इट इज राइट करते हैं, 0.01 मल्टीप्लाइड बाई 10 इंटू 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.1 प्लस। अब डिवाइड करते हैं इसको, तो डिवाइड करते हैं तो 0.2 टाइम हो गया था, तो आएगा आपका 0.2। तो डिवाइड करते हैं 0.2, ये हो गया डिवाइड करने में। अब हम क्या करेंगे, अब करेंगे हम मल्टीप्लाई, मल्टीप्लीकेशन। तो 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपका 0.1 हो जाएगा, क्योंकि 10 का मल्टीप्लाई करते ही डेसिमल आगे हो जाएगा, तो 0.01 हो गया इंटू 0.3 प्लस 0.1 प्लस 0.2। अब इनका मल्टीप्लाई करते हैं, तो करते हैं देखते हैं, 2 0 2 1 2 हो गया, रफली कर लेते हैं 0.1 और 0.2, तो 2 1 2 2 0 0, ठीक है, और 0 0 और 0.02 ये आपका आ गया मल्टीप्लाई करते हैं। अब बाकी को एज इट इज राइट करते हैं। अब हमें क्या करना है, ऐड करना है, ऐड कर देते हैं सबको, डेसिमल की बात टू डिजिट है तो यहां पर हम एक और 0 बढ़ा देते हैं, 2 डिजिट हो गया सर, प्लस करते हैं 0 0 0 2, तो 2 आएगा, ठीक। उसके बाद सेकेंड 2 प्लस 1 3 प्लस 3 6 और 0 6 हो गया, 0 0 0 है तो ये हो गया 0.62। ये आपका आंसर होगा, ध्यान से समझिएगा कैसे करना है। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व किया हमने, ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद फिर डिवाइड किया, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई किया मैंने इन दोनों का, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, क्योंकि इसमें 3 था तो पहले इन दोनों का किया मल्टीप्लाई, फिर इसके बाद बचा हुआ इन दोनों का मल्टीप्लाई किया गया। अब क्या करना था लास्ट में, एडिशन, सबको ऐड कर दिया गया और ये आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 जो है पूरा सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है, और जो डाउट होगा पूछिएगा। लास्ट नंबर जो 6 है उसको बहुत ध्यान से करिएगा, ठीक है, ध्यान समझ के करिएगा, उसमें मल्टीप्लाई है, ठीक है, मल्टीप्लाई डिवाइड सारा ऑपरेशन है, तो उसमें स्टेप बाय स्टेप करिएगा, पहले ब्रैकेट फिर डिवाइड फिर मल्टीप्लाई, ठीक है, प्लस और एट लास्ट सब्ट्रैक्शन। तो बोर्ड पास का रूल फॉलो करते हुए करिएगा, सिंपल है, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज। थैंक यू।